नमस्कार तमाम कोसी न्यूज दर्शकों का स्वागत है। अभी हम कुरसला के राम परी युगेश्वरी इंटर कॉलेज के ग्राउंड में मौजूद हैं। यहाँ पर आईपीएल पर आधारित कुरसला प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था, जिसका फाइनल खेला गया है। हमारे साथ जो प्लेयर मौजूद हैं वो विजेता टीम है। चलिए हम जानते हैं इनसे कि किस आईपीएल का बहुत बड़ा सुंदर आयोजन हुआ। इसके लिए आयोजन के लिए तमाम दर्शकों का और यहाँ के कमेटी मेंबरों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारी टीम बहुत ही संघर्ष करके लगातार लीग मैच में अच्छा प्रदर्शन करते हुए और बीच बीच में मैंने फाइनल का दबाव को देखते हुए मैंने अच्छे टिप्स दिए, जिसके कारण मेरी टीम विजय रही। कितने रन से जीत दर्ज किए? मैंने कुल 25 रन से जीत दर्ज की थी। कुल 15 ओवर का मैच था, जिसमें हमने चेज करते 156 रन का टारगेट दिया था बाल्टी महेशपुर वारियर्स को और उन्होंने 130 रन पे ऑल आउट करी। आप लोग खिलाड़ी हैं क्या, कहाँ से आए थे खेलने के लिए? हम लोग तो यहाँ के लोकल हैं। लोकल, क्या नाम है? सुमित सिंह। आप क्या किए थे, बैटिंग या बॉलिंग? बैटिंग। कितना रन बनाए थे आप? 2 गेंद लास्ट में खेला था, 4 रन बनाया था। आप लोग प्लेयर हैं? जी जी। कहाँ से आए थे खेलने के लिए? हम फलका से आए हैं, फलका लीला से। जी, क्या कहेंगे इस मैच को लेकर? क्या कहेंगे, हम लोग मैच जीत गए, बहुत खुशी की बात है। और क्या संजोग से जीत गए जैसे बोल? नहीं, हम लोग का बॉलिंग बैटिंग बहुत अच्छा, मेहनत करके जीते हैं हम लोग। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? हम तो इधर ये टूर्नामेंट में मतलब करवाने में पूरा बिजी थे, दूसरे टीम मैनेजमेंट का। कैसा लग रहा है कुरसेला प्रखंड 11 जो जीत दर्ज की है, कैसा? बहुत अच्छा। कोई भी टीम जीतता तो सब मतलब सब टीम में सपोर्टिंग था। ये केपीएल था, किसी का मतलब पर्सनल नहीं था, जो कि मतलब कि हम किसी पर्सनल टीम को सपोर्ट करेंगे, सब टीम को सपोर्ट था। ये टीम बढ़िया खेला और अच्छे से खेला और ये टीम फाइनल जीते। और उपविजेता जो टीम बनी है बल्थी महेशपुर इंडियन, उनको उनके लिए क्या कहेंगे? ओ भैया लोग तो बहुत ही काफ़ी शानदार खेले, लेकिन उनका बैटिंग लाइनअप सही से चल नहीं पाया, जिनके वजह से भैया लोग को फाइनल में हार मिले। चलिए, तो आपने देखा किस तरह के यहाँ के जो, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है, हम कटरिया से आते हैं यहाँ खेलने के लिए। केपीएल में पहली बार सिलेक्शन हुआ था और पहला ही सीजन चल रहा था, तो हम बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं। बैटिंग में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, तो बॉलिंग में मैं हमेशा क्रिकेट में 100% एफर्ट देने का कोशिश करता हूँ, चाहे वो फील्डिंग हो, बैटिंग हो या बॉलिंग हो, कुछ भी हो। तो मैंने 3 ओवर की गेंदबाजी किया था और 25 रन देके 2 विकेट जरूर हासिल किए थे अपनी टीम के। जैसे कि एक मैं मेरे टारगेट पे जो थे कि वो एक बड़े बल्लेबाज हैं किसले भैया, मैंने उनको आउट करने की कोशिश की थी और वो सफलतापूर्वक मैंने हासिल कर लिया। नाम है आपका? मैं शुभम कुमार जी, कटरिया से। जी, कटरिया से। देख सकते हैं काफी उत्साहित है यहाँ पर जो है प्रखंड कुरसेला प्रखंड 11 की टीम, जो आज जीत दर्ज की है। इसी तरह कोशिश को देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। तब तक अपने दोस्त अजीत को दीजिए इजाजत। जय हिंद।